पांच बेटों ने मिलकर अपनी सगी माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया, यकीन माने मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। छह माह से ये माँ धक्के खा रही है, फुटपाथ पर सोती है, रोडों पे सोती है, जो मिले खा लेती है। मेरे शोहर के वफात हो चुकी थी। अच्छा, तो अच्छा बेवा है आप जी? ठीक है। तो मैंने अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाला, फिर उनको पढ़ाया, वो अपने काम पे लग गए, अपने पाँव पे खड़े हो गए, फिर उनकी शादियाँ की। तो जब शादियाँ की तो उनकी बीवियाँ अपनी बीवी के कहने पे अलग हो गए। अब बात यह है कि अब माँ से उनको कोई मतलब नहीं रहा, बीवी से उनको मतलब है, घर चलाना है, तो वो अब बीवी का ही कहा मानेंगे। और जो कुंवारा है बेटा जो बाहर रहता है दुबई में जी, वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि मैंने इधर ही शादी करनी है, इधर ही सेट रहना है, मैंने वापस पाकिस्तान नहीं आना। तो अभी कहाँ रह रही हो? मैं सड़क पे रहती हूँ, रोड पे सो जाती हूँ, या दुकानों के थड़ों पे सो जाती हूँ, होटल से खाना खा लेती हूँ, या कोई अल्लाह का बंदा दे जाए को तो फिर वो खा। कितना अरसा हो गया ये काम? तकरीबन छह माह हो गए हैं। ये दर्दनाक कहानी जानते हैं एक माँ से उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी कितने बेटे ने? पाँच। पाँच बेटे ने जी? शादीशुदा ने सारे? चार बेटों की शादी हुई है और एक की अभी करनी है। एक ही करनी है जी? जो एक है वो साथ है कि वो भी नहीं है साथ? नहीं, वो बाहर दुबई में रहता है। अच्छा, वो दुबई में जी। पांच बेटों को आपने अकेले पाल पोस कर बड़ा किया या खामन भी है आप? नहीं, मेरे शोहर के वफात हो चुकी थी। अच्छा, वो तो अच्छा बेवा है आप जी? ठीक है। तो मैंने अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाला, फिर उनको पढ़ाया, फिर वो अपने काम पे लग गए, अपने पाँव पे खड़े हो गए, फिर उनकी शादियाँ की। तो जब शादियाँ की तो उनकी बीवियाँ अपनी बीवी के कहने पे अलग हो गए। यानी कि बीवी का कहना मानते थे? जी जी। बीवी कहती थी कि मैं यानी कि नहीं रखना, मैं नहीं रहूंगी इनके। माँ को साथ ना रखो जी, माँ को रख लो या हमें रख लो जी। तो अलग रहना चाहती थी। एक बेटा बाहर है जी। अच्छा, तो क्या वजह क्या थी अपने बीवी के कहनों पे क्यों आए, वो क्यों चल रहे हैं अपनी बीवी के कहनों के? सगी माँ को ही उन्होंने निकाल दिया घर। अब बात यह है कि अब माँ से उनको कोई मतलब नहीं रहा, बीवी से उनको मतलब है, घर चलाना है, तो वो अब बीवी का ही कहा मानेंगे। बच्चों वाले हैं जी? अच्छा। और जो कुंवारा है बेटा जो बाहर रहता है दुबई में जी, वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि मैंने इधर ही शादी करनी है, इधर ही सेट रहना है, मैंने वापस पाकिस्तान नहीं आना। यानी कि जो कुंवारा है जो दुबई में बिजनेस कर रहा है, वो कहता है मैंने दुबई में रहना है, वापस पाकिस्तान नहीं आना। मैंने कहता है उधर ही शादी करनी है। जी जी। तो अभी कहाँ रह रही हो? मैं सड़क पे रहती हूँ, रोड पे सो जाती हूँ, या दुकानों के थड़ों पे सो जाती हूँ, होटल से खाना खा लेती हूँ, या कोई अल्लाह का बंदा दे जाए को तो फिर वो खा। कितना अरसा हो गया ये काम? तकरीबन छह माह हो गए हैं। छह माह से इसी तरह जिंदगी काट रही है? जी जी। बेटों ने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र हमारी जान छूटी हुई है। बेटों ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जान छूट गई? हाँ, जान छूटी है। वो घर से एक बार निकाल दिया है, उनका काम खत्म हो गया। कोई बेटा काम नहीं आया? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। उनको सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चों से दिलचस्पी है, माँ से उन्हें कोई गर्ज नहीं है। तो खानदान में रिश्तेदारों में किसी ने साथ नहीं दिया? नहीं, गरीब बंदे का कोई साथ नहीं देता, ना ही कोई रिश्तेदार होता। भाई भी काम नहीं आया? भाई है? है, नहीं है। बहन? बहन, लेकिन वो साथ नहीं देते। साथ नहीं देते जी। यानी कि होने के बावजूद भी ना वो बराबर होने है। के बराबर है। रिश्तेदारों में भी कोई साथ नहीं दे रहा? गरीब बेटों ने भी घर से? गरीब का कोई रिश्तेदार? बेटी है? नहीं, बेटी कोई नहीं है। बेटी नहीं है, सिर्फ बेटे ही? जी जी। क्या कहना चाहोगे उन बेटों को, देख रहे हैं आपके बेटे जो शादीशुदा जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, अपनी ही जन्नत को खुद से दूर कर दिया, क्या कहना चाहोगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी जब उनकी औलाद होगी, वो उनके साथ ऐसा करेगी, तब उनको एहसास होगा कि हमने भी अपनी माँ के साथ किया था, औलाद का दुख क्या होता है, तब उनको फिर एहसास होगा। फिर एहसास जब उनकी औलाद बड़ी होगी और वो शादी करेंगी, जैसा किया है वैसे ही वो काटेंगे। जैसा भी इंसान बीज बोता है वैसे ही काटता है, ये तो हकीकत है ना। तो नाजरीन, ये वो माँ है, दर्दनाक कहानी है, यकीन माने जब मैं इस तरह का मामला देखता हूँ या मेरे सामने आता है तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्या इस तरह के बेटे अभी भी है? और आजकल यकीन माने औलाद जालिम हो चुकी है, खून सफेद हो चुका है। अभी पीछे रिसेंटली देखे जाए तो दो बेटों ने अपने वालिद को, एक तो वालिद को उसने ज़िबा कर दिया था, यह गुजरांवाला का वाकया है। दूसरा वाकया फैसलाबाद का, जो फायर मारकर अपने ही वालिद को कत्ल कर दिया बेटे ने जायदाद की खातिर।
पैसों की खातिर। और इसी तरह अब पांच बेटों ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया, कोई बेटा साथ नहीं दे रहा। क्या औलाद इस दिन के लिए मांगते हैं माँ बाप के, जब बड़े हो जाते हैं, जब शादियां कर लेते हैं, फिर वो बीवी का कहना मानते हैं और अपने माँ बाप के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, इस तरह का सलूक करते हैं, क्या औलाद इस दिन के लिए मांगी जाती है? क्या रब से दुआ करते हैं जिस औलाद के लिए कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे, क्या इस दिन के लिए औलाद मांगते हैं? तो ये जो भी किया इन बेटों ने, अगर वो वीडियो देख रहे हैं वो बदबख्त बेटे, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो आपने अपनी माँ के साथ किया है कल आपके साथ भी होगा, ये लाजमी होगा। अगर आज अपनी माँ को आपने निकाल दिया घर से, तो कल आपके बेटे बड़े होकर आपको घर से निकालेंगे। तो बेटी के लिए जो औलाद दुआ नहीं मांगते माँ बाप, वो ये सुन लें कि आजकल के जो औलाद है, यकीन माने बेटे, वो पैसों से प्यार करते हैं, दौलत से प्यार करते हैं, प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, माँ बाप के लिए उनको लिए कोई प्यार नहीं है। बेटी ही काम आती हैं, जो बेटियाँ मारते हैं और बेटी के लिए दुआ नहीं करते कि अल्लाह ताला हमें बेटी दे, वो सिर्फ बेटे मांगते हैं। तो बेटे वाले सुन लें, ये बहुत बड़ा मैसेज है एक माँ का, और इसको शेयर करें, इसको इतना शेयर करें ताकि हर माँ तक ये मैसेज जाए। अल्लाह हाफिज़।